तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। यहाँ आज अपन पॉलिटिकल साइंस 11th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। जैसे कि अभी आप 10th पास करके आए हो, तो सामाजिक विज्ञान का एक ही बुक थी आपके पास, उसी में आपके पॉलिटिकल के भी कुछ चैप्टर्स थे, उसमें आपके कुछ ज्योग्राफी मतलब भूगोल के भी कुछ चैप्टर थे, उसमें कुछ समाजशास्त्र के क्वेश्चन चैप्टर्स भी थे, कुछ अर्थशास्त्र के चैप्टर्स भी थे। यहाँ जब आपने अब आर्ट्स लिया है इस सब्जेक्ट में, अब इस सब्जेक्ट को आपको अलग अलग चीज वाइज पढ़ना होगा। राजनीति विज्ञान अलग पढ़ना होगा, यदि भूगोल है आपका तो भूगोल पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स है अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र पढ़ना होगा, जिसकी हिस्ट्री हो वो हिस्ट्री पढ़ना होगा। तो आज अपन जो शुरू करेंगे वो राजनीति से शुरू करेंगे, राजनीति विज्ञान से शुरू करेंगे, बहुत जीरो स्तर से राजनीति विज्ञान शुरू करेंगे। जनक सब्जेक्ट कहाँ से बना और फिर इसके बाद पर्टिकुलर अपने चैप्टर्स के ऊपर आएंगे, बिल्कुल अपन जीरो स्तर से शुरू करेंगे। यदि आपने 10th में आपको डर लगता हो इस SS से या सामाजिक विज्ञान से, तो आपको बिल्कुल हम जीरो स्तर से शुरू करेंगे, इस चैप्टर के वहाँ तक जाएंगे जहाँ इस तक इसकी दम है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, अपन बिल्कुल बहुत जीरो स्तर से इसको शुरू करते हैं। देखो पहले जैसे कि राजनीति विज्ञान है या सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है आप सब जानते हैं। राजनीति विज्ञान क्या है? एक विषय है। अब इस सब विषय कहाँ से बना है इसकी बारे में चर्चा भी करेंगे, इसका कौन फादर जनरल, जनक कौन कहा जाता है, किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा है इस सब्जेक्ट को प्रणाली में, किस इतिहासकारों का इसको लिखने में, या आदि अपन सारी चर्चा करेंगे। हल्की सी 2 मिनट में अपन इसका इंट्रो देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, इसके बाद अपना अपना चैप्टर अपन शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। किसका है बच्चों? राजनीति किसका शब्द है अपना? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है या लैटिन भाषा का शब्द है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे या भूगोल पढ़ें या आप साइंस में कोई सब्जेक्ट उठा के देख लें, अधिकांश अधिकांश समाज शब्द मिलेंगे आपको, सारे शब्द किसके? लैटिन लैंग्वेज के ही मिलेंगे अधिकांश का। अब बात कर लेते हैं कि जो राजनीति है इसमें हमें पढ़ना क्या है। इसमें अपन को पढ़ना है किसी भी शासक देश के लिए राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। राज्य व्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है बच्चों, राज्य व्यवस्था राज और प्लस व्यवस्था से मिलकर बनी है राज्य व्यवस्था। राज्य का अर्थ होता है किसी देश के ऊपर शासन संचालन करना। व्यवस्था किस प्रकार का होगी? ऐसे कि आप घर पर रहते हैं, आप पिताजी के भी माताजी के रूल्स फॉलो करते हैं, दादी कहती है इस रूम में नहीं आना, एक पूजा वाला घर है इसमें अपने लिए खाना नहीं खाना, ऐसे कुछ घर में भी रूल्स होते हैं। स्कूल आप आते हैं प्रेयर करेंगे पहले, इसके बाद आप होमवर्क दिया जाएगा, घर में छुट्टी होगी तो आप घर पे जाएंगे, स्कूल के कुछ नियम होते हैं यहाँ ये नहीं करना, तो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से क्या होंगे नियम होंगे उस शासन उस राष्ट्र के शासन संचालन के लिए जो मूलभूत नियम होते हैं उन्हें अपन व्यवस्था बोलते हैं। अब ये कहानी शुरू करते हैं, पहले अपन देख लें कि राज्य व्यवस्था तो शब्द बाद में आया, इसका जनक कौन सा निकल के आया। सबसे पहले जो राजनीति की उत्पत्ति हुई है राजा से हुई है। आप सब जानते हैं कि राजा पहले एक प्रांत हुआ करता था या कोई राजा हुआ करता था। आज डेमोक्रेसी या अन्य राष्ट्रों में, तमाम राष्ट्रों में लोकतांत्रिक देश बन चुका है भारत भी, लेकिन पहले क्या थे? प्रांत थे, और इस प्रांतों का मुखिया कहा जाता था अपना राजा। ठीक है, प्रांतों का मुखिया किसे कहा जाता था? पहले राजा के लिए कहा जाता था। राजा ही अपने शासन संचालन के लिए अपनी कुछ नीतियां बनाता था। ये आप सबको पता है कि एक राजा हुआ करता था किसी भी प्रांत में, और उसकी प्रजा को काम करने के लिए, प्रजा को हितैषी बनाने के अच्छे काम भी करता था, और कुछ राजा क्रूर भी हुआ करते थे अपने हिसाब से वो अलग अलग काम में। तो देखो अब पहले इस राजा के बारे में उत्पत्ति हुई, यानी कि राजाओं के शब्द से मिला, तो इससे पहले कौन आया? सुकरात। देखो जब पहला राजनीति में आने वाला वैज्ञानिक, अपने इतिहास में और भी स्रोत मिलते हैं हमें राजनीति के जानने में, भारतीयों का भी बात करेंगे अपन और कुछ विदेशियों की भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि जो सब्जेक्ट जो बना है विदेशियों से ज्यादा योगदान रहा है, भारतीयों का भी योगदान देखेंगे। कौटिल्य की अर्थशास्त्र आपने पढ़ी होगी, चंद्रगुप्त के शासन काल में थी, उसमें भी अर्थशास्त्र राजा के नियम बारे में वर्णन किया है। तो पहले सुकरात है, इस सुकरात यूरोप का निवासी था, इसने राजा के बारे में सबसे पहले विस्तृत वर्णन किया कैसे कि राजा को क्या होना चाहिए, राजा के प्रति जनता के क्या कर्तव्य होना चाहिए, जनता को राजा के व्यक्तित्व क्या मध्यस्थता निभाना चाहिए। तो सबसे पहले इसने क्या किया, एक सुकरात ने इससे विचार रखी अपनी,
अब ये क्या है, इसने कोई पुस्तक नहीं छाप पाई, इसका एक शिष्य हुआ, उसे बोलते हैं अपन प्लूटो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इसका शिष्य हुआ कौन सा, प्लूटो। प्लूटो ने एक पुस्तक लिखी पॉलिटी, राजनीति। इसके शिष्यों को ध्यान रखो, कहानी ऑब्जेक्ट अपना क्या पूछेगा, सिर्फ राजनीति विज्ञान का जनक पूछेगा, इसलिए अपने इतनी कहानी पढ़ रहा है। इसने कोई पुस्तक नहीं लिखी, इसके बाद पुस्तक लिखने वाला उसका कौन सा शिष्य आता है, अपना प्लूटो। प्लूटो कौन था, इसका शिष्य था। अब प्लूटो ने एक एकेडमी खोली, इस राजा जो ये राजा के बारे में बता रहा था कि राजा को ऐसा होना चाहिए, उसी राजा के बारे में कुछ अपने मन से कर्तव्यों को जोड़ के इसने एक पुस्तक में खो दिया, और इससे क्या कहा जाने लगा, फिर इसने फिर एक अकेडमी भी खोली, उस अकेडमी का नाम था द अकेडमी। क्या काम करती थी द अकेडमी, वर्ल्ड के अंदर राजनीति के बारे में नॉलेज देती थी, या राजा के बारे में जनता के लिए कर्तव्य बताती थी, राजा के जो कर्तव्य होते हैं, शासन संचालन ऐसा करना चाहिए, मतलब राजनीति के बारे में इस द अकेडमी में ये क्या दे रहा था, शिक्षा दे रहा था प्लूटो। तो इसी द अकेडमी से एक होनहार बच्चा निकल के आया, या वो होनहार अपन कह सकते हैं, जब स्कूल होता है कुछ होनहार बच्चे भी होते हैं उसमें, और कुछ कम पढ़ने वाले भी होते हैं। इसी द अकेडमी में कुछ कम पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे, कुछ अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे। तो इसी में एक वैज्ञानिक या राजनीतिक कह सकते हैं, पर अरस्तु पढ़ता था इसी द अकेडमी में। कौन पढ़ता था आपका, अरस्तु। और अरस्तु ने सर्वप्रथम क्या लिखी, पॉलिटिकल है राजनीति विज्ञान की किताब लिखी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यह अरस्तु के लिए यदि आपसे पूछे कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, अरस्तु के लिए राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस सब्जेक्ट के बारे में हल्की हल्की से अपन ने कहानी की चर्चा कर ली। अब आते हैं अपन अपने चैप्टर के ऊपर, चैप्टर अपना क्या है। देखो, अपनी जो राजनीति है दो भागों में बटी हुई है, एक में अपन को भारत की राजनीति पढ़ना है, और एक के अंदर अपने के लिए विश्व की राजनीति के बारे में चर्चा करनी है। तो पहला जो अपना चैप्टर है वो है संविधान क्या और कैसे, संविधान क्यों और कैसे, या संविधान वाला चैप्टर है, पर एक शब्द में कहें उसे। पहला चैप्टर क्या है अपना, संविधान। आप सब जानते होंगे कि संविधान किसे कहते हैं। देखिए, जो किसी भी राष्ट्र की शासन संचालन प्रक्रिया के लिए जो मूलभूत नियमों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या करते हैं अपन, शासन संचालन के लिए कुछ मूलभूत नियम होते हैं, और उन्हीं मूलभूत नियमों को अपन एक किताब में परो दें, लिखित वर्णित कर दें, उसे संविधान बोलते हैं, लिखित दस्तावेज। अभी यहाँ अपनी कहानी सुनना। तो पहले संविधान के भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी होगी आपकी, कि भारत में संविधान क्या बना, उसकी डेफिनेशन ऑटोमेटिक अपने सामने आ जाएगी कि क्या है संविधान। इसकी अपन भारत में संविधान की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लें कि संविधान बना कैसे, इसकी ऐतिहासिक कारण क्या रहे थे। तो देखो, जब सबको पता है सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए, पुर्तगाली के बाद फ्रांसीसी, ये बहुत से व्यक्ति अपने भारत पर आक्रमण करे, व्यापारिक कंपनियां आई अपनी पे। इस केस में एक व्यापारिक कंपनी थी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, या जो ब्रिटेन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जब भारत में किसके उद्देश्य से आई थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। अब व्यापार करने के उद्देश्य तो आई थी, ठीक है, 1700-1600 में उसकी स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सन 1764 बक्सर का युद्ध, सन 1773 1764 का बक्सर का जब युद्ध ब्रिटिश जीत जाती है, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत पर अपना, देखो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ये दो युद्ध निर्णायक होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत पर अधिकार करने के विरोध में। जब ये दोनों युद्ध ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक करने के उद्देश्य से नहीं, अब क्या करने लगती है, अपने भारत के ऊपर राज स्थापित कर देती है, अपने ऊपर शासन संचालन प्रक्रिया शुरू कर देती है। तो निर्णायक युद्ध होते हैं भारतीय और अंग्रेजों के बीच, 1757 का प्लासी का युद्ध, और ये होता है बक्सर का युद्ध। जबकि दोनों युद्धों में अंग्रेज विजयी हो जाते हैं, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हो जाती है, और इन्हीं युद्धों के बाद अपने संविधान की सीढ़ियां भी इसी युद्ध से शुरू हो जाती है,
संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इन्हीं युद्धों के निर्णायक युद्धों के बाद संविधान की कुछ सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपन पे शासन करना शुरू कर देती है तो पहला वो नियम लेके आती है अपने लिए सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा लेकर आती है? सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक नियम आता है उसे बोलते हैं अपन रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था बच्चों? रेगुलेटिंग एक्ट में था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपन पे व्यापार करने के उद्देश्य से जो भारत में आई थी, अब वो क्या करने लगती है? अपने ऊपर प्रशासनिक अधिकार कर लेती है, या प्रशासनिक अधिकार हो जाता है, भारत पर अपना राजनीतिक अधिकार जमा लेती है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के कारण भारत में एक न्यायालय की स्थापना करते हैं कलकत्ता में। कलकत्ता में इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना होती है और उस न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं एलिजा एम्पे। अभी आप इतना ध्यान रखें, इसके बाद और भी नियम आए। सन 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया, चार्टर अधिनियम आए 1813, 1853, ऐसे कुछ बहुत से नियम आए जो संविधान की सीढ़ियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसको रेगुलेटिंग एक्ट के लिए ध्यान रखना, कंपनी के द्वारा उठाया गया प्रशासनिक अधिकार में पहला नियम था या पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई। इसके ऐसे और भी नियम चलते गए जो संविधान की धीरे धीरे सीढ़ियां बनती। इसके 100 साल बाद 1873 में एक अधिनियम आता है और उस अधिनियम के माध्यम से कहा दिया जाता है कि अब भारत पर अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी और इसका कंपनी का अधिकार क्या कर दिया जाएगा, कभी भी समाप्त कर दिया जा सकता है। और अब इसमें भारत पर शासन संचालन कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू कर देती है। ठीक है, अब ब्रिटिश 100 साल बाद 1873 में कंपनी के अधिकारों को कभी भी भंग किया सकता है। 1884 में जाके खत्म करके जाता है कंपनी के पूरे एकाधिकार के लिए। अब वो सिर्फ क्या करती है? भारत पर अधिकार जिसका हो जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ऐसे कुछ एक्ट है वो अपन को जो मोस्ट है वो अपन इसको देख लेते हैं। इसी के बाद अपन को जो इनकॉर्पोरेट है, जो अपने संविधान की सीढ़ियां बनी है, वो अपना एक आता है 1909 का मार्लिन मिंटो सुधार अधिनियम। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आता है, या इसी को अपन बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम, 1909 भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में क्या होता है? मार्ले और मिंटो दो व्यक्ति लेकर आते हैं। मार्ले यहां के क्या रहते हैं? गवर्नर जनरल रहते हैं। मिंटो यहां ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों लेकर आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 में। तो इसमें अपने लिए जो फैक्ट याद रखना है वो रखना है कि सबसे पहले क्या कहा जा, क्या किया गया इसमें? सांप्रदायिकता को अधिकार दिया, सांप्रदायिकता का बढ़ावा दिया गया इसमें 1909 का भारत परिषद अधिनियम में। इसमें क्या कर दिया गया? अब जो सांप्रदायिकता का मतलब क्या है? मुस्लिम प्रतिनिधि का है, कोई चुनाव जो होते हैं उसमें मुस्लिम मतदाता का चुनाव केवल मुस्लिम प्रतिनिधि ही कर सकते हैं और जो अन्य के थे वो मतलब सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है मार्लो मिंटो के लिए। इतना आप ध्यान रखें, सांप्रदायिकता का जनक है और मार्लो मिंटो सुधार किससे संबंधित था? अपना सांप्रदायिकता को बढ़ा। अब इसके बाद 1919 में एक अधिनियम आता है और भी याद चले गए। 1919 में आता है अपना मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में क्या कहा गया? सर्वप्रथम महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार किया गया। इसमें क्या किया गया? महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार दिया गया 1919 में। इसके बाद जो आता है वो इंपोर्टेंट अधिनियम है,
वो आता है भारत शासन अधिनियम 1935। ये आप ध्यान रखें, सांप्रदायिकता का मार्लोमेंटो है और मॉन्टेजू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में आता। इसके बाद अपना जो शुरू होता है, अब अपने को जो पढ़ना है संविधान की सीढ़ियां बनी है, अब उसे अपने देखना है। 1935 का आता है भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत इंपोर्टेंट है, यहां से अपनी संविधान की सीढ़ी शुरू हो जाएगी अधिकांश। अब देखो भारत शासन अधिनियम में 1935 में क्या था, 321 तो अनुच्छेद थे इसमें, 321 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद क्या होते हैं ये भी अपन चर्चा कर लेंगे अभी, और 10 अनुसूचियां हैं। इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 में इसमें कहा गया, इसके तहत बहुत सारे भारत में क्या हुए, जो संविधान की सीढ़ियां बनी, कुछ बहुत सारी चीजें इसमें की गई थी। किसमें? भारत शासन अधिनियम में। इसमें क्या किया गया, 1937 में भारत को बर्मा से, भारत और बर्मा का मतलब है म्यांमार को अलग कर दिया गया इसी अधिनियम के तहत। म्यांमार आपने देखा होगा जो भारत है, भारत के पूर्व में पड़ता है, पूर्वी देश है म्यांमार, जो भारत का हिस्सा हुआ करता था। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत को बर्मा से क्या कर दिया, अलग कर दिया। एक फैक्ट्री याद रखना, ठीक है। यदि आप ये नहीं पढ़ेंगे तो संविधान क्या और क्यों से आपको समझ में नहीं आया, उसमें आपको भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत विस्तृत तरीके से किया है, अपन कुछ उसके लिए बहुत अच्छे से समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले काम क्या किया गया, भारत को बर्मा, बर्मा का मतलब है म्यांमार, प्राचीन नाम था उसका, उसको अलग कर दिया, पहला काम। दूसरा काम क्या किया गया, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एक न्यायालय की स्थापना की गई। अब आप कहेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट के नियम के भी तहत कर दी गई थी न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की गई थी न्यायालय। फिर हाई कोर्ट अधिनियम आता है, आप बीच में और उसको अधिनियमों को पढ़ेंगे आप आगे जैसे जैसे चलता चलेगा चैप्टर, तो बस में हाई कोर्टों की स्थापना कर दी जाती है। फिर 1935 में जो आज सुप्रीम कोर्ट है इसी अधिनियम के तहत किया गया था, या ठीक है ध्यान रखें, इसमें न्यायालय की स्थापना की गई। कैसे हम लेकिन बात कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चलेंगे, थोड़ा आप बस यहां समझते चलिए बिल्कुल क्लियर हो गए। न्यायालय की स्थापना की गई। एक और काम किया गया, इसमें किया गया आरबीआई, जो आप सुनते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की स्थापना भी किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और एक और काम किया गया था, जब इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी, तो एक सातवीं जो अनुसूची अपन पढ़ेंगे, समवर्ती सूची का प्रावधान इस भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। कौन सी सूची जोड़ी गई, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अपन जैसे सातवीं अनुसूची पढ़ेंगे उनमें सारे तीन आएंगे, राज्य सूची का विषय भी आएगा, संवर्ती सूची का भी विषय आएगा और अपना संघ सूची का भी विषय आएगा। जी आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर चलता रहेगा। इसके बाद आता है अपना भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इतने इतने आप ध्यान रखें क्योंकि अभी अपने संविधान की सीढ़ियां बनती चलेगी और अधिकांश संविधान में कुछ प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज्यादा प्रेरित है। आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान किस अधिनियम से सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत।
अब बात करते हैं 1947 के अधिनियम की। 1947 में अधिनियम आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो प्रस्ताव होता है 8 जुलाई 1947, एक प्रस्ताव आता है, और 18 जुलाई 1947 को यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। और इस प्रस्ताव में क्या कहा जाता है, इस प्रस्ताव में कहा जाता है कि 15 अगस्त जो भारत और पाकिस्तान दो राज्य अधिराज्य बना दिए जाएंगे, उनकी जो संविधान, उनका जो नियम है, उनके जो अधिकार है, उन्हें संविधान सभा के लिए निर्धारित कर दिए जाएंगे, या उनके जो अधिकार रहेंगे वो संविधान जो बना रही है उस कमेटी के लिए अधिकार सौंप दिए जाएंगे। और इसी तहत, इसी अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बन जाते हैं, भारत स्वतंत्र हो जाता है 15 अगस्त 1947 में। इसके बाद अपनी संविधान की कहानी शुरू होती है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे संविधान की कैबिनेट मिशन, 1946 में आएगा कैबिनेट मिशन, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, जो अपन ने कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो संविधान में प्रावधान दिए गए या कुछ किए गए उसके आधार पर अपन ने कुछ हल्की हल्की कहानी इसकी जमानी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे संविधान की किस प्रकार से निर्माण होगा, संविधान में क्या क्या चीजें हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियां हैं वर्तमान में, मूल संविधान में क्या था और आज उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, सारी चीजों को अपन पढ़ेंगे। संविधान क्या होता है, संविधान कितने प्रकार का होता है, सारी चीजें अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।